तो अभी सुबह के बजे हैं 10 और मुझे भी अपना बहुत सारा काम करना है। ये लड़का तो सुबह से बहुत परेशान कर रहा था, तो फिर मैंने ना इसको कार्टून दिखा के बिठा दिया है। एक्चुअल में देखो, हमें कार्टून इसलिए दिखाना पड़ता है, मैं हर एक ब्लॉग में बार बार बोलती हूँ, बहुत लोगों का फिर कमेंट आता है कि आप कार्टून दिखाते हो ये वो। प्लीज़ आप लोग ना मेरे घर पे आइए और मेरी जगह में एक बार खड़े होके देखिए, फिर आप लोग बात को समझोगे, क्योंकि अकेला एक बच्चे को संभालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए बहुत दिक्कत होता है। और अभी जो है ना, मैं पी रही हूँ टैंग, क्योंकि बहुत सारा काम करने के बाद ये ठंडा ठंडा टैंग मिलता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। और माधव को भी बहुत मज़ा आ गया है। और मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे मेरा ये छोटा सा एक टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट तो नहीं कहेंगे, मतलब नॉर्मल सा है। और ये हमारा टीवी कब से नहीं चल रहा है मुझे भी नहीं पता, मतलब एक 1.5-2 साल हो गया है टीवी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग टीवी उतना देखते ही नहीं है, मन ही नहीं होता है टीवी देखने का। और मेरा फेस देखो एकदम पसीने से ना इतना ख़राब हो गया, लाल हो गया मुँह, क्योंकि बहुत गर्मी था, बिना पंखे का सारा काम किया मैंने और इसमें बहुत धूल जम गया। लेकिन अभी तो मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी अगर यहाँ का काम करूँगी ना, तो फिर दिक्कत होगा। और यहाँ पे देखो माधव चुपचाप खेल रहा है, कार्टून देख रहा है, लेकिन उसके हाथ में अगर कोई कटोरा या फिर गिलास होता है ना, तो फिर मुझे टेंशन हो जाता है, क्योंकि वो सीधा सोफे के नीचे फेंक देता है या फिर मेरे बेड के नीचे फेंक देता है। इसका यही होता है, मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है। और ये जो झालर है ना, इनको खोलना है मुझे, बहुत बाहियात दिख रहा था। और फिर मैंने बेडशीट को भी थोड़ा साफ़ किया, इस बेडशीट को भी मुझे साफ़ करना है, हटाना है, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। और मुझे ये नीचे का कंबल भी वॉश करना है। और ये जो कंबल है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि गर्मी होती है, लेकिन नहीं होती है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती है, नॉर्मली है। मेरा जो बेडशीट है ना, वो 1 से 2 दिन ही टिकता है, उसके बाद फिर मेरे को उस बेडशीट के ऊपर सोने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि माधव इतना गंदा कर देता है ना। और कभी कभार मेरे पति भी मेरा बहुत सारा हेल्प करके देते हैं, मतलब बहुत सारा। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तुम अपने पति से क्यों काम करवाती हो। मेरे हस्बैंड को पसंद है मेरा हेल्प करना, इस वजह से वो मेरा हेल्प करके देते हैं, काम करके देते हैं। अभी मैं आप लोग के और मैं आपके दिमाग का सोच जो है वो बदल नहीं सकती, तो इसलिए मुझे तो अपना काम करते हुए रहना है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, दीदी किसी की बात मत सुनिए, आप अपने काम से काम रखिए। सच में मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। एक्चुअल में अपने ही अगर इतने ख़राब निकलते हैं, तो मेरे हेटर्स जो है वो तो दूर के हैं, तो उनके बातों का माइंड करना तो बेकार है ना, अपना ही नुकसान होगा, इसलिए फिर मैं माइंड नहीं करती। और देखो इसमें ना मैंने काफ़ी सारा पानी डाल के रखा, पहले ना मुझे इसमें पानी डालना नहीं आता था, दिमाग में बैठा नहीं था कि कैसे पानी डालूँ, क्या करूँ। फिर दिमाग में आया कि इस तरीके से हमें ना पानी डाल के बस रख देना है ट्रे को, वो ऑटोमेटिकली ना गोल बन जाएगा। और फ्रिज में एक कटोरा रखा है जिसमें बर्फ़ भरा है, इतना बर्फ़ भरा है ना, मैं इसको निकाल भी नहीं पाऊँगी, इतना बर्फ़ है। उसको ना निकालना है, ठंड के टाइम ही निकाल पाऊँगी, जिस टाइम फ्रिज नहीं चलेगा। ठंड के टाइम ना हमारे घर में फ्रिज नहीं चलता है बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना कि फ्रिज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ हम लोग नॉर्मली रख देते हैं, तो वो ऐसे ही ख़राब नहीं होता है। और गर्मी में तो भैया फ्रिज में रखना ही पड़ता है, आधे घंटे के लिए भी हम बाहर रखते हैं ना कोई भी चीज़, तो फिर वो चावल का हो या सब्जी का हो, ख़राब हो ही जाता है।